हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम जानेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानने की कोशिश करेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, क्या बड़ा रीजन था और आखिर खिलाफत जो आंदोलन है वो है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और इन सभी प्रश्नों के आंसरों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तुर्की की। तुर्की जिसकी राजधानी अंकारा है, तुर्की का सीधा संबंध है खिलाफत आंदोलन से। तो जानते हैं तुर्की में ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले तुर्की की लोकेशन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर ये मैप दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये तुर्की है। और यहाँ भारत का जो संबंध है, देखिए भारत इसके, ये आपको भारत दिखाई दे रहा है, तो भारत के लगभग उत्तर पश्चिम में क्या पड़ता है, तुर्की पड़ता है। आपको स्क्रीन पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और फिर तुर्की। तो तुर्की में ऐसा क्या घटनाक्रम घटित हुआ जिससे भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन हो गया, तो बताते हैं। चलिए, तुर्की जो है, तुर्की का जो सुल्तान है, तुर्की का जो सुल्तान है विश्व के मुसलमानों का खलीफा समझा जाता है। विश्व के मुसलमानों का क्या समझा जाता है, खलीफा समझा जाता है। तुर्की का जो सुल्तान है वो विश्व के मुसलमानों का खलीफा समझा जाता है। फ्रेंड्स, अब आप समझ रहे होंगे खलीफा क्या है। तो खलीफा एक धार्मिक नेता को कहा जाता है या एक पदवी होती है जो धार्मिक नेता को मिलती है। तो मतलब तुर्की का जो सुल्तान है वो विश्व के सभी मुसलमानों का धार्मिक नेता यानी खलीफा समझा जाता था। तो तुर्की जो है वहाँ अब ऐसा क्या होने वाला है कि इसका असर भारत तक पड़ने वाला है, तो जानते हैं। देखिए, दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ, तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा यानी धार्मिक नेता समझा जाता था। अब देखो, बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो तुर्की के जो सुल्तान है या तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के एंटी जाकर जर्मनी की हेल्प की थी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जर्मनी कहाँ है, यानी तुर्की हेल्प कर रहा है किसकी, जर्मनी की, और वो भी मित्र राष्ट्रों के एंटी होकर। तो देखिए, आपको ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये तुर्की है। तुर्की से इधर आगे चलते हैं तो आपको रेड कलर में ये जो दिखाई दे रहा है ये जर्मनी दिखाई दे रहा है। अब देखो, तुर्की जो है, सेकंड विश्व युद्ध की बात हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। तुर्की का जो सुल्तान है या तुर्की देश है एक तरीके से मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी की हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया, यानी सीधी सीधी बात है कि तुर्की ने किसकी मदद की द्वितीय विश्व युद्ध में, तो तुर्की ने जर्मनी की मदद की। अब देखो, अब जहाँ बात आती है कि तुर्की हेल्प कर रहा है और जर्मनी की हेल्प कर रहा है और तुर्की एक तरीके से विश्व के सभी मुसलमान जो हैं, तुर्की का जो सुल्तान है विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा या धार्मिक नेता समझा गया है। तो अब जो मान लो तुर्की के एंटी होंगे, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि एंटी है यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन एंटी है, और ब्रिटेन एक तरीके से भारत में भारत को कब्जे में कर रखा है, यहाँ भारत को गुलाम बना रखा है। तो कहीं भारत के जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उन पर इस बात का उल्टा असर ना पड़े, तो इसके लिए देखो क्या बात होती है, ब्रिटेन क्या कह रहा है। ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इंग्लैंड मैप में आप देख पा रहे हो, देखो ये भारत है, इधर चलें अपने, तो ये यहाँ तुर्की आ गया और आगे चलें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं हम, और यूनाइटेड किंगडम यहाँ मतलब ब्रिटेन और इसकी राजधानी है लंदन। यहाँ से अब बात क्या आ रही है, देखो भारतीय मुसलमानों के डर को दूर करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने पर तुर्की साम्राज्य का अंत नहीं किया जाएगा। मतलब हम तुर्की को, अगर मान लो हम जीतते हैं तो तुर्की का अंत नहीं करेंगे, तुर्की को छोड़ दिया जाएगा। मतलब ऐसा विश्वास दिलाया किसने, यूनाइटेड किंगडम यानी अंग्रेजों ने क्या विश्वास दिलाया कि अगर युद्ध में हम जीतते हैं तो जो तुर्की है उसका अंत नहीं किया जाएगा। तो ये बात भारत के मुसलमानों ने मान ली कि हाँ भी ब्रिटेन सही कर रहा है। तो जो युद्ध हो रहा था तो भारतीयों ने मतलब भारत के मुसलमानों ने पूरी हेल्प की, किसकी, ब्रिटेन की, यानी भारतीय मुसलमानों ने युद्ध के अवसर पर अंग्रेजों की जो है यानी हेल्प की, काफ़ी हेल्प की, पूरी पर्याप्त हेल्प की, क्योंकि उन्होंने समझा कि हाँ इंग्लैंड है वो सही कह रहा है। लेकिन होता क्या है, देखिए होता क्या है, 10 अगस्त 1919 आपको ये तारीख याद रहेगी, 15 अगस्त 5 दिन कम कर दो, 10 अगस्त 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपको याद रहेगा। जगह है सर्वेस, सर्वे की
संधि। ये संधि क्या है, पहले मैं सर्वेश आपको दिखा देता हूँ, आपको ये स्क्रीन पर सर्वेश दिखा रहा है, ये जूम किया हुआ है, जूम आउट करेंगे तो सर्वेश के पास में पेरिस दिख रहा है, मतलब पेरिस में पड़ता है या पेरिस के पास पड़ता है सर्वेश। अब पेरिस कहाँ है, और जूम आउट करेंगे पेरिस फ्रांस में दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और बिल्कुल आप देखिए ये आपको जर्मनी के बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है सर्वेश, मतलब फ्रांस के पास, ठीक है जी। तो यहाँ एक संधि होती है, कब हो रही है ये संधि, ये संधि हो रही है जी 10 अगस्त 1919, और सर्वेश की संधि है, क्या है इस संधि के, अब देखिए 10 अगस्त 1919 की सर्वेश की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर डाला, तुर्की साम्राज्य को क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर डाला। देखो जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस एक तरीके से तोड़ा है इन्होंने, तो अब देखिए चलो इसको छिन्न भिन्न कर दिया। अब ये एक जगह है कुस्तुनतुनिया, ये मैं थोड़ी दिखा देता हूँ कुस्तुनतुनिया आपको स्क्रीन पर, ये इस्तांबुल दिख रहा है, वर्तमान में इस्तांबुल है, पहले कुस्तुनतुनिया था, और ये लगभग यहाँ पड़ता है, तुर्की का ही एक नगर है वर्तमान में, तो कुस्तुनतुनिया था नाम और अब इसका नाम इस्तांबुल है। तो यहाँ कैद कर दिया किसको, तुर्की के सुल्तान को, मतलब तुर्की के सुल्तान को अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की साम्राज्य का अंत कर दिया, और तुर्की के जो सुल्तान हैं उसको कुस्तुनतुनिया में क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया, कैद कर दिया। अब देखो जो तुर्की का सुल्तान है वो विश्व भर के मुसलमानों का क्या है, खलीफा है, खलीफा धार्मिक नेता है, तो उस विश्व के सारे मुसलमान जो होंगे वो एक तरीके से एंटी हो जाएंगे मित्र देशों के, तो इंडिया में भी असर पड़ेगा इस चीज़ का। देखो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस्तांबुल तुर्की, तो इंडिया में असर पड़ेगा, तो इंडिया में असर पड़ेगा तो होगा क्या, देखिए इंडिया के अंदर जो मुसलमान होंगे, देखो सीधी सी बात है, प्रॉमिस किया था इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड वाले शुरू से ही चालाक रहे हैं, आपको पता है इन्होंने कभी भी जो कहा वो नहीं किया, उल्टा ही चलते थे ये, यानी फूट डालो राज करो या लोगों को बिढ़ाओ और अपना राज करो, तो इन्होंने यहाँ भी यही किया था कि इनसे मतलब हेल्प ले ली भारत के मुसलमानों से, कहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में, और जो इन्होंने वचन दिया था उस वचन का पालन नहीं किया, तो इस मामले में अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों के सम्मुख अपने वचन का पालन नहीं किया, और अब एक तरीके से भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है, तो इन्हें गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा आ रहा है तो ये गुस्सा किस रूप में निकलेगा, ये निकलेगा खिलाफत आंदोलन के रूप में, उन्होंने इनकी खिलाफत की, मतलब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि इन्होंने चीटिंग की थी, और इस आंदोलन में कांग्रेस ने भी एक तरीके से साथ दिया था मुसलमानों का, और किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में साथ दिया था, तो मतलब जो खिलाफत आंदोलन था वो प्योर एक तरीके से मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और कांग्रेस की ओर से गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे आखिर खिलाफत जो आंदोलन है वो क्यों हुआ, क्या कारण रहे, और किस तरह से तुर्की का खिलाफत आंदोलन से सीधा सीधा संबंध है, खलीफा क्या होता है इस चीज़ को समझ गए होंगे, 10 अगस्त 1919 की सर्वेश की संधि क्या थी वो समझ गए होंगे, और ब्रिटेन ने जर्मनी ने क्या किया, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, तो उसके बाद तुर्की के साथ क्या किया गया, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और बस यही हम समझाना चाहते थे इस वीडियो में कि आखिर खिलाफत आंदोलन का क्या कारण रहा था। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो नेक्स्ट एक वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।